आज की वीडियो में बात खुदी मीडिया और रियल मीडिया के पिछले 5 डिबेट्स की करेंगे और देखेंगे कि दोनों तरफ के मीडिया के डिबेट के मुद्दे में कितना अंतर था। पहले बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं वह किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। पहला, अफवाहों का मुकाबला सवालों से है, धर्म भरोसे ट्रोल तंत्र के अधर्म से है। दूसरा, CDS जनरल बिपिन रावत तथा 12 अन्य को श्रद्धांजलि। तीसरा, क्या दुर्घटनाग्रस्त हुआ जनरल रावत का हेलीकॉप्टर। चौथा, यूपी के जिला अस्पतालों का ऑपरेशन। और पांचवा, उद्घाटन से नहीं फैकल्टी की भर्ती से चलता है एम्स। रवीश ने अपनी डिबेट में कई मुद्दों पर चर्चा की। इन दिनों उत्तर प्रदेश चुनावों पर लगभग हर मीडिया में चर्चा है। ऐसे में रवीश कुमार ने अपनी वीडियो में उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की हालात पर बात की और जानकारी भी दी। आज हम यूपी के कुछ जिला अस्पतालों का हाल जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमने स्मार्ट सिटी गाजियाबाद के जिला अस्पताल की खबरों के लिए गूगल में टाइप किया। इस हिस्से में हमने गाजियाबाद के सरकारी अस्पतालों को लेकर मार्च से लेकर 3 दिसंबर के बीच अलग अलग महीनों में छपी खबरों की कतरने लगाई। 8 महीने पहले की भी हेडलाइन है कि 3 महीने से ऑपरेशन नहीं हो रहा है। जिले के 3 बड़े अस्पतालों में एक भी ऐसा नहीं जहां पूरी संख्या में डॉक्टर हों। शासन को कई बार पत्र लिखा गया है कि डॉक्टर नहीं है। संयुक्त अस्पताल को लेकर अगस्त में भी खबर छपी है कि यहां 38 डॉक्टरों की जगह 16 ही हैं। ट्रॉमा सेंटर में विशेषज्ञ तो दूर, MBBS की भी नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस समय अस्पताल में नेफ्रोलॉजिस्ट की भी जरूरत है क्योंकि यहां 250 मरीजों की डायलिसिस हो रही है। फिर अक्टूबर की खबर है कि 46 लाख की आबादी वाले गाजियाबाद के सभी सरकारी अस्पतालों को मिलाकर 1 लाख की आबादी पर 9.3 बेड हैं, जबकि नीति आयोग के अनुसार 1 लाख की आबादी पर 24 बेड होने चाहिए। अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, राहुल ने छेड़ी हिंदू बनाम हिंदुत्ववादी की बहस। दूसरा, मुकाबला अखिलेश बनाम PM मोदी है। तीसरा, अपने ही आदेश को पलटा, अब खुले में नमाज पर रोक। चौथा, जनरल रावत की अंतिम यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अभद्रता की। पांचवा, नशे में गोदी एंकर ने स्वर्गीय जनरल रावत का अपमान किया। अभिसार शर्मा ने अपने वीडियो में कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने अपनी वीडियो के जरिए सरकार पर सवाल भी उठाए और खुले में नमाज पढ़ने को लेकर सरकार ने अपने फैसले को पलट दिया, जिस पर अभिसार शर्मा ने बात की। दोस्तों, इजाजत जो है किसी और ने नहीं, खुद मनोहर लाल खट्टर सरकार ने दी थी। और पहला आदेश क्या था कि मनोहर लाल खट्टर ने बाकायदा कुछ जमीनें मुहैया करवाई थी ताकि शुक्रवार को मुसलमान जो है वो अपनी नमाज अदा कर सके। अब उस फैसले को मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पलट दिया है। क्यों? क्योंकि हर शुक्रवार को जहां नमाज अदा की जाती थी वहां कुछ लोग आके जय श्री राम के नारे लगाते थे, धमकाते थे। आपको वो तस्वीर याद होगी, एक बुजुर्ग मुसलमान जा रहे थे और अचानक एक युवा सामने खड़े हो जाता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, जय श्री राम के नारे लगाने लगता था। सवाल जो है यहां पर मनोहर लाल खट्टर सरकार से होना चाहिए कि किसी ने दबाव बनाया और आपने अपना फैसला ही पलट दिया जो आपने खुद लिया था। पुलिस के साथ बैठकर उनसे बात करके तमाम चीजों की बारीकियों को समझ के, और फिर इसलिए कि आपको यह डर लग रहा है कि अगर हमने नमाज बंद नहीं की तो ये जो कट्टर हिंदू हैं वो लोग बुरा मान जाएंगे। अब बात करते हैं न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन की और देखते हैं वह किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। पहला, यूपी का सियासी युद्ध। दूसरा, अलविदा CDS बिपिन रावत। तीसरा, नहीं रहे CDS बिपिन रावत। चौथा, लाल टोपी वाले। और पांचवा, सेकुलर झंडा सांप्रदायिक एजेंडा। अमीश देवगन ने अपनी वीडियो में उत्तर प्रदेश चुनावों पर बात की। देखते हैं कि क्या वह भी उत्तर प्रदेश में जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं या नहीं। उत्तर प्रदेश के सियासी महायुद्ध में खुलकर धर्म का दाव खेला जा रहा है, चला जा रहा है। देश के इतिहास में पहली बार किसी मंदिर में कैबिनेट की बैठक की तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके सभी कैबिनेट मंत्री, उप मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बैठक करने वाले हैं। तो उधर समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन कह रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते मुसलमान बट मत जाना, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, वो है भारतीय जनता पार्टी को निस्तेनाबूद करना, हराना। ऐसे में भड़काऊ सियासत के सबसे बड़े सूरमा कहे जाने वाले असाउद्दीन ओवैसी कैसे पीछे रह सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपनी नस्लों को सिखा कर जाएंगे कि हमारी सिसकियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और बाबरी मस्जिद की शहादत याद रखेंगे। चुनाव की पैकेजिंग तो विकास के नाम पर हो रही है, लेकिन हर तरफ से धर्म को ढाल बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं ज़ी न्यूज़ के पत्रकार अदिति त्यागी की, देखते हैं वह किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। पहला, हिंदुत्व पर सत्याग्रह वर्सेस सत्याग्रह। दूसरा, कोरोना संयोग या प्रयोग।
तीसरा, लाल टोपी मतलब आतंक का साथ। चौथा, महबूबा मुफ्ती के लिए कश्मीर कब्रिस्तान। और पांचवा, उत्तर प्रदेश में चिन्ना जिंदा है। अदिति त्यागी ने अपनी वीडियो में कई मुद्दों पर डिबेट की। इनमें एक मुद्दों में उन्होंने किसान महापंचायत को लेकर बात की और देखते हैं वह किस से सवाल कर रहे हैं। आज की बड़ी खबर किसानों से ही जुड़ी रही। दिल्ली के बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन आखिरकार खत्म हो गया। 380 दिन बाद किसानों की घर वापसी हो रही है। हालांकि इसे लेकर लगातार सियासत भी हो रही है, और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं इसके लिए आपको देखना होगा एक पोस्टर। ये पोस्टर देखना आपके लिए जरूरी, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दरअसल ये पोस्टर कैराना में होने वाली किसानों की महापंचायत से जुड़ा है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत समेत दूसरे किसान नेता शामिल हैं। और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि आंदोलन तो सस्पेंड हो गया है, लेकिन क्या सियासत जारी रही? कैराना में होने वाली महापंचायत क्या सियासी है? ये सवाल है। क्या आंदोलन के आगे चुनाव है? घर वापसी लेकिन सियासत बाकी है क्या अभी इसमें 2022 में? क्योंकि कैराना में ये महापंचायत है। आज कैराना को लेकर जेपी नड्डा ने भी बड़ा बयान दिया, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, अखिलेश यादव पर निशाना साधा। तो क्या 2022 में भी कैराना प्रयोगशाला है और किसानों की जमीन पर वोटों की फसल की बात हो रही? आप वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि दोनों तरफ के मीडिया के मुद्दों में कितना अंतर है। आप क्या सोचते हैं मीडिया के बारे में, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.